बीमारी भी हो जाए ना सीरियस, बाबा सुप्रीम सर्जन हो आ जाओ, देखो चमत्कार होंगे आगे चल के, ये बहुत होने जा रहा है। हमने तो समय देखा है, यज्ञ में दवाई नहीं होती थी, पैसे भी नहीं होते थे, विद्या दीदी को पता है बाबा क्या खिला देता था। उस दिन मुरली में भी कहा, बच्चे को मलाई और रोटी खिला दो, दो बार खिलाई बच्चे ठीक। हाँ क्या क्या कर दिया, किसी को कहा मक्खन खिला दो इसे 7 दिन ठीक, दमा हो रहा है खिला दिया छाछ डोढ़ा, लोग परेशान, छाछ पी के दमा बढ़ जाएगा, उधर दमा ठीक हो रहा है। भगवान की दवाई भी तो ऐसी हैं, मुझे भी खिलाया था, बुखार रहता था बहुत, ऊपर से मैसेज आ गया बच्चे को 7 दिन देसी घी का हलवा खिला दो। मैं कहा देखो भगवान की दवाई कैसी सुंदर है, हलवे से बुखार ठीक कर रहा है, तो टॉनिक भी और बीमारी भी। निर्मल बाबा भी कहते हैं समोसे खा लो, जलेबी खा लो, मुझे दिख रहा है समोसा तुमने खाया नहीं होगा, खा लो। तो बाबा की शक्तियों को यूज करेंगे, बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। हम माताओं के पर्स में 10,000 रुपये पड़े हों और सिर दर्द की दवाई लेनी हो और भूल गए हों कि पैसे तो पर्स में ही हैं, तो क्या होगा, सिर दर्द परेशान करेगा ना, यूज करना है। अब भगवान कहता है मुझे यूज करो, तो क्यों नहीं करें, बुलाते रहे, पुकारते रहे, युगों से मांगते रहे, मेरा बच्चा बीमार हो गया इसे ठीक करो, मदद करो। अब जब मदद करने आ गया, पूरी मदद ले लो, बस इसको पक्का करना है। जीवन में सारा खेल मनुष्य के संकल्पों का होता है, हम क्या सोचते हैं इसमें ही तो सारा खेल है। जितना जो अच्छा सोचेंगे उतना जीवन सुखों से भरा हो जाएगा। मुझे ऐसा व्यक्ति मिला पीछे, 90 साल का, मिलिट्री से रिटायर, 90 साल का, साइकिल चलाता है, रोज 20 किलोमीटर आता जाता है, सेवा में लगा हुआ बाबा की। मैंने कहा 90 साल के साइकिल चला रहे हो, कहा बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं तो, कहाँ ताकत है, मन में। यह असली ताकत मनुष्य के मन में होती है, इसको स्ट्रोंग कर देना है। तो मन के संकल्प हमारे बहुत सुंदर हों।